दोस्तों नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि नेक्स्ट मनी को हम किस तरह से केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें, हम आज आपको डिटेल्ड में बताएंगे कि अपने नेक्स्ट मनी के में अपने फुल्ली केवाईसी किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि केवाईसी किस तरह से करें। हम आज यही बताने वाले हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि केवाईसी किस तरह से करना है। ठीक है दोस्तों, इससे हमने पहले वीडियो बना रखा है कि किस तरह से रजिस्टर करना है, किस तरह से आईडी को अपग्रेड करना है। तो दोस्तों अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दे दिया है, जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने आज की टॉपिक की ओर। तो सिंपली से दोस्तों कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं क्लिक करना है, क्लिक करना है आपको उसी रिचार्ज वाले ऑप्शन में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि केवाईसी करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे केवाईसी करने के लिए आपको ऊपर पैन कार्ड नंबर और नीचे आधार नंबर, इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल करके आएगा, तो यहाँ पे आप अपने पैन कार्ड को अटैच कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे अपने जैसे कि आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड को अटैच कर दीजिए, ऊपर फ्रंट बैक दोनों अटैच कर दीजिए। इसके बाद अपलोड केवाईसी कर दीजिए। फिर आपको आगे क्या करना है, आगे वीडियो में अंत तक बने रहें, हम तब तक इस डिटेल को फिल करने के बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सारा डिटेल फिल कर दी है। तो दोस्तों सिंपली से आपको नीचे अपलोड केवाईसी पे क्लिक कर देना है। अपलोड केवाईसी पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, तो सिंपली से ओके बटन पे प्रेस कर देना है। ओके बटन पे प्रेस करते ही दोस्तों आपका आईडी बिल्कुल ही फुल्ली केवाईसी कर दिया जाएगा। दोस्तों इनमें थोड़े समय भी लग सकता है, जैसे कि एक दो घंटे या एक दिन भी लग सकता है दोस्तों, डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरह से अपलोड केवाईसी की है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आई नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर सकूं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।